हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी इमेज से बैकग्राउंड को हटा सकते हैं, ठीक है, वो भी बस एक क्लिक में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जाना है कैनवा में, canva.com पे, ठीक है, और इसमें जाके आपको है लॉगिन करना है। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो आपको इसमें अकाउंट लॉगिन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, नॉर्मली बस आपको जाना है canva.com पे, ठीक है, और यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा अगर आपका अकाउंट कैनवा में नहीं है तो। ठीक है, इसमें आप जो है गूगल का जो है ईमेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हो, जिससे आपका गूगल में लॉगिन है उससे को आप डायरेक्ट इसको चूज़ कर सकते हो, या फिर फेसबुक से लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो नॉर्मली जस्ट ईमेल से कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यही करना है, साइन अप कर लेना है, या फिर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करना। ठीक है, तो यही है प्रोसेस। आप जो है जैसे कि आपने देखा कि मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे कि हमें जो है क्या साइज होनी चाहिए हमारी जो है इमेज की। ठीक है, तो आप जा सकते हो यहाँ पे क्रिएट डिज़ाइन पे, और अगर आपका मन है तो आप कस्टम साइज यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इमेज की उस पर आप जाके कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से अगर हमें ये साइज चाहिए, ठीक है, 1080 इंटू विड्थ एंड देन हाइट भी 1080 होगा। ठीक है, तो इस पर जो है हम कोई भी इमेज को अपलोड कर लेंगे। ठीक है, पहले जो है आपको अपनी सबसे फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपनी साइज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो साइज है 1080 इसको जो है आप अपने फेसबुक पे और इंस्टाग्राम दोनों पे यूज कर सकते हो, तो आप चूज कर सकते हो ये भी साइज। ठीक है, अब हमें जो है इसमें एक इमेज चाहिए। ठीक है, तो आपको जाना है लेफ़्ट साइड में अपलोड्स में, और अपलोड्स में जाके एक अपनी एक फ़ाइल को अपलोड करना है। अपलोड अ फाइल, कोई भी आप पिक्चर इसमें सेलेक्ट करो और इसको अपलोड कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है फ़ोटो वो अपलोड हो रही है। ठीक है, अब हम इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये जो है पूरा मेरा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेंगे। अब हमें इस फ़ोटो की बैकग्राउंड को हटाना है कैनवा में, तो हमें करना क्या, जस्ट एडिट एन इमेज पे जाना है और बैकग्राउंड रिमूवर पे क्लिक करना है। ठीक है, और आप देख पाओगे कि जो है आपकी जो फ़ोटो की जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, और आप देख सकते हो कि हमारी जो इमेज की बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से रिमूव हो गई। ठीक है, अब आप चाहोगे तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको जाना है शेयर पे, यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप बैकग्राउंड रिमूव वाला जो है रिमूवर वाला जो है फीचर यूज़ करना चाहते हो कैनवा में, तो आपको जो है कैनवा प्रो होना ज़रूरी है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो अगर आपका है सब्सक्रिप्शन तभी ये वर्क करेगा, वरना ये नहीं करेगा, क्योंकि ये जो है कैनवा प्रो यूज़र्स के लिए ये वाला फीचर है। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप चाहते हो कि हम ब्राइटनेस ये सब भी इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ करें, तो ये सब भी आप कुछ कर सकते हो कैनवा में। ठीक है, कोई भी इमेज की जो है आप कॉन्ट्रास्ट को इनक्रीज़ कर सकते हो, सेचुरेशन को इनक्रीज़ कर सकते हो, तो आप जो नॉर्मली जो फ़िल्टर हम करते हैं कोई भी फ़ोटो पे, तो वो आप कर सकते हो इसमें बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बैकग्राउंड रिमूवर वाला जो फीचर है वो पेड यूज़र्स के लिए, ठीक है, तो वो होना ज़रूरी है। उसके अलावा मैं जो है आप ये सारे इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि मैंने वो जो इमेज थी वो ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है जो कि यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में, किसी भी डिज़ाइंस में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने डाउनलोड तो कर लिया, पर फिर भी जो है ये जो इमेज है वो मुझे शो कर रहा है। ठीक है, जिसको मैं एडिट करूँगी, तो आप देख सकते हो इतने सारे जो है आप इफ़ेक्ट्स इसमें डाल सकते हो।
ठीक है, ये सारे इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो अपनी इमेज पे। उसके अलावा अगर आपको कुछ बैकग्राउंड चाहिए तो आप बैकग्राउंड भी या अपनी फ़ोटो के पीछे में लगा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से कि हमें ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करना है, तो आप देख सकते हो कि ये जो है हमारा बैकग्राउंड अप्लाई हो गया ये फ़ोटो में, ठीक है। तो ये भी आप ये सब भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो है ये बैकग्राउंड तो हमने अप्लाई कर लिया है, ठीक है। इसके आप चाहो तो इसके मीन्स आप बैकग्राउंड में कोई फ़ोटोग्राफ भी लगा सकते हो, वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।